हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं, कंगना रनौत ने एक नहीं बल्कि तीन तीन शादियां तोड़ी हैं, जिसमें ऋतिक रोशन की शादी तो है ही, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सीज आज तक मीडिया में छाई हुई हैं। लेकिन उससे पहले कंगना का शिकार वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान अजय देवगन भी बन चुके हैं, जिसके कारण उनकी पत्नी ने घर तक छोड़ दिया था। और घर तोड़ने की यही शुरुआत कंगना ने आदित्य पंचोली के साथ की थी, जिनके प्यार में वो इतने डूब गए थे कि शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने कंगना के साथ रहने के लिए आलीशान घर खरीदा था। और शायद ऐसी एक शादी तोड़ी थी शिल्पा शेट्टी ने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि शिल्पा से शादी करने के लिए राज कुंद्रा ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दिया था। पर क्या वाकई ही राज की शादी टूटने की वजह शिल्पा ही है? ये जानने से पहले बात करते हैं पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच हुए उस अफेयर की, जिसकी वजह से अक्षय की पत्नी ने उन्हें प्रियंका के साथ कभी भी कहीं भी नहीं दिखने की धमकी दी थी। हालांकि इनके अलावा प्रियंका ने एक और ऐसे स्टार की शादी को टूटने के कगार पर ला दिया था। लेकिन कौन थे वो स्टार और ऐसी कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें होम ब्रेकर्स कहते हैं, जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो, एक्ट्रेसेस हु आर मैरिज ब्रेकर्स। नंबर वन, पीसी, प्रियंका चोपड़ा। जब प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, तब वो एक मैग्नेट की तरह थी जो सभी स्टार्स को अट्रैक्ट करने लगी थी, और उन्हीं में से एक थे अक्षय कुमार, जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। इन दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई ऐतराज मूवी के दौरान, जिसके बाद से दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारने लगे। इनके इसी अफेयर के कारण अक्षय और उनकी पत्नी के बीच काफी बहस होने लगी थी, जो आगे चलकर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक होटल में दूसरे सभी गेस्ट के सामने अक्षय ने खुद ये कन्फेस किया था कि उनका प्रियंका के साथ अफेयर है। और फिर अपनी शादी को बचाने की कोशिश करते हुए ट्विंकल खन्ना ने अक्षय को प्रियंका से दूरी बनाने के लिए कह दिया था। लेकिन जब प्रियंका का यही नाम एसआरके के साथ जुड़ने लगा, तब अपना घर बचाने के लिए गौरी खान ने प्रियंका के करियर को खत्म करना चाहा। वेल, पूरा माजरा ये है कि पीसी और एसआरके डॉन 2 की शूटिंग के वक्त काफी करीब आ गए थे, इतने ज्यादा करीब कि एक दिन इन्हें रात के 3 बजे साथ में स्पॉट किया गया था। इतना ही नहीं, जब इस बात पर सवाल किया गया, तब शाहरुख ने भी यही कहा था कि प्रियंका उनके लिए एक दोस्त से ज्यादा है। बस फिर क्या था, एसआरके के इस स्टेटमेंट के बाद गौरी सब कुछ समझ गई थी और उन्होंने शाहरुख को फिर कभी प्रियंका के साथ पब्लिक में नहीं दिखने की वार्निंग दे दी। इतना ही नहीं, अपना घर बचाने के लिए वो इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी कि उन्होंने करण जौहर के साथ मिलकर प्रियंका चोपड़ा के करियर को भी बर्बाद करना चाहा था। ये सब रायते के बाद शाहरुख ने प्रियंका से खुद ही दूरी बना ली थी और इन दोनों के अफेयर पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया था। पर ये अफेयर कोई र्यूमर नहीं था, क्योंकि एक इंटरनेशनल टॉक शो में प्रियंका शाहरुख की दी हुई लेदर जैकेट पहने नजर आई थी, और पूछने पर उन्होंने कहा था कि ये उनके एक्स ने उन्हें दिया था। नंबर टू, रेखा। ये एक ऐसी हीरोइन थी जिनके ज्यादातर लिंकअप्स अक्सर मैरिड एक्टर्स के साथ ही थे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है जितेंद्र का, जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। फिर भी रेखा इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो गई थी और वो जितेंद्र के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती थी। लेकिन जब ये बात लोगों के सामने आई, तब वो रेखा को घर तोड़ने वाली औरत बुलाने लगे और इसी वजह से ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर जितेंद्र के बाद रेखा की मुलाकात एक मूवी सेट पर बिग बी से हुई, जहां साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के कब करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। शायद इसी वजह से एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में अमिताभ जैसा इंसान कभी नहीं देखा और उनके टैलेंट से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। हालांकि इन दोनों सुपरस्टार का रिश्ता सुर्खियों में तब आया जब ये दोनों सिलसिला मूवी की शूटिंग कर रहे थे, और फिर जब दोनों की डेटिंग की खबरें हर तरफ आग की तरह फैलने लगी, तब अपनी शादी को बचाने के लिए जया बच्चन ने ठोस कदम उठाते हुए अपने पति को रेखा के साथ काम करने से ही रोक दिया, जिसके बाद इन दोनों प्रेम के पंछियों की कहानी यहीं खत्म हो गई। इनके इसी रोमांस के बाद आज तक बच्चन फैमिली और रेखा एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर ही नजर आते हैं। नंबर थ्री, श्रीदेवी। इन्होंने हमेशा लोगों से यही कहा था कि वो कभी भी मैरिड मैन से शादी करना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मैरिड आदमी से शादी की बल्कि उनकी पहली शादी तुड़वाई भी थी, जिसकी शुरुआत हुई बोनी कपूर की पत्नी और श्रीदेवी के बीच हुई दोस्ती से, जिसके बाद वो अक्सर उनके घर में आने जाने लगी और एक वक्त बाद सभी के बीच एक फैमिली एनवायरनमेंट बन गया था, क्योंकि श्रीदेवी बोनी कपूर को अपना भाई मानने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये खबर सामने आई कि श्रीदेवी बोनी के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, जिसके बाद बोनी की पहली पत्नी मोना को श्रीदेवी से नफरत हो गई और उन्होंने श्रीदेवी को काफी खरी खोटी भी सुनाई। पर तमाम कोशिशों के बाद भी वो अपने और बोनी कपूर के रिश्ते को बचा नहीं पाई, क्योंकि श्रीदेवी के प्रेग्नेंट होने के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने की खातिर मोना को डिवोर्स दे दिया।
हालांकि डिवोर्स के बाद भी बोनी अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों की सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे, जो श्रीदेवी को एक आंख नहीं भाता था। और उनके आंख की यही खटास लाइमलाइट में तब आई जब 1997 में स्टारडस्ट मैगजीन ने एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि जब एक बार बोनी अपनी पहली बीवी के बच्चों को पिकनिक पर ले गए थे, तब श्रीदेवी उनसे इतना झगड़ी कि उनकी आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी थी। और शायद यही वजह है कि मोना ने जीते जी कभी श्रीदेवी को अपने या अपने बच्चों के आसपास फटकने नहीं दिया। नंबर 4, यामी गौतम। द ग्लो गर्ल पर उंगलियां तब उठने लगी जब पुलकित सम्राट की पत्नी श्वेता ने खुद यामी गौतम को होम ब्रेकर कहा था। हालांकि यामी गौतम के आने से पहले ही पुलकित सम्राट और उनकी वाइफ श्वेता रोहिरा के बीच हो रहे झगड़े की बात न्यूज में आ रही थी, लेकिन उस खबर को हवा तब मिली जब पुलकित के डिवोर्स की बात बाहर आई, जिसे दुनिया के सामने खुद श्वेता रोहिरा ने लाया था। और उन्होंने मीडिया को खुद पुलकित की वाइफ कहकर बुलाने से मना कर दिया था और अपने इसी डिवोर्स की वजह वो यामी गौतम को मानती थी, क्योंकि सनम रे मूवी की शूटिंग के टाइम से ही पुलकित और यामी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। और यामी बार बार पुलकित को पूछती थी कि वो श्वेता को डिवोर्स कब दे रहे हैं और कब उन दोनों के रिलेशन को ऑफिशियल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यामी ने पुलकित को ये तक कहा था कि अगर उन्हें साथ रहना है तो वो जल्द से जल्द श्वेता को डिवोर्स दे दे, जिसके बाद फाइनली पुलकित ने श्वेता से डिवोर्स ले लिया। हाँ, ये बात और है कि डिवोर्स के इतने तामझाम के बाद ये दोनों किसी और के हो लिए हैं। नंबर 5, हेमा मालिनी। इस लिस्ट में ड्रीम गर्ल भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए किसी और के सपने और उनके घर को तोड़ा था। वेल, ये बात उस समय की है जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि वो अपना सब कुछ छोड़ने तक को तैयार हो गए थे। इनके इस कहानी की शुरुआत एक मूवी सेट पर हुई थी और शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र अपना दिल ड्रीम गर्ल को दे बैठे थे। हालांकि तब हेमा मालिनी जितेंद्र को डेट कर रही थी, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र पर ध्यान न देकर उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। पर जब उन्हें पता चला कि जितेंद्र उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी करने वाले हैं, तब वो वापस धर्मेंद्र पाजी के पास आ गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन उनके इस प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें डिवोर्स देने से इनकार कर दिया और फिर प्यार में पागल दोनों स्टार्स ने इस्लाम धर्म को अपनाकर शादी की थी। लेकिन कहते ना, कुछ घाव कभी नहीं भरते। शायद यही वजह है कि आज भी धर्मेंद्र के चारों बच्चे एक साथ कभी नजर नहीं आते। नंबर 6, शिल्पा शेट्टी। जिन शिल्पा शेट्टी को सभी उनके फिटनेस के लिए जानते हैं, वो असल में एक मैरिज ब्रेकर हैं, जिन्होंने राज कुंद्रा से शादी करने के लिए उनकी पहली शादी तुड़वा दी थी, क्योंकि शिल्पा से शादी करने के लिए राज कुंद्रा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। वेल, इससे पहले आप सोच में पड़ जाएं, इनकी कहानी शुरू से ही शुरू करते हैं। दरअसल शिल्पा और राज की मुलाकात लंदन में एक बिजनेस के सिलसिले में हुई थी और मिलते ही दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए थे, जिसके बाद पेरिस में राज ने उन्हें प्रपोज किया था। पर इससे पहले कि दोनों शादी के बंधन में बंधते, राज की पहली वाइफ ने अपनी शादी को बचाने के लिए पब्लिकली शिल्पा पर उनका घर तोड़ने का इल्जाम लगा दिया था। हालांकि इसके बावजूद दोनों ने 2009 में एक दूसरे से शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी के बाद भी राज की पहली वाइफ कविता रुकी नहीं और वो पूरी दुनिया के सामने शिल्पा को मैरिज ब्रेकर का टैग देने लगी, जिसने सभी की नजरों में शिल्पा को एक मैरिज ब्रेकर बना दिया था। यही सब देखते हुए थक हार कर राज कुंद्रा ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया और शिल्पा पर लगे सभी इल्जामों को बेबुनियाद बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि मेरे डिवोर्स का कारण शिल्पा नहीं बल्कि मेरी एक्स वाइफ कविता है, जिसका लंदन में ही मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर चल रहा था और शिल्पा के अगेंस्ट मीडिया को स्टेटमेंट देने के लिए उसे किसी ने हजारों पॉइंट्स पे किए थे। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वही सच हो, क्योंकि ये तो कुछ जानी मानी असली कहानियाँ थी, जबकि बहुत से स्टार्स इसलिए भी साथ आते हैं ताकि वो लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ कर सकें और उस वक्त उनकी आने वाली मूवी हिट हो जाए, जिसे आम भाषा में पब्लिसिटी स्टंट भी कहते हैं। जैसे कि शेरशाह मूवी के वक्त सिद्धार्थ और कियारा के रिलेशनशिप में होने की बात लोगों के सामने आने लगी थी, लेकिन उनका रोमांस मूवी के प्रमोशन तक ही चला और अब दोनों खुद को एक दूसरे का सिर्फ दोस्त बताते हैं। अगर ऐसी ही किसी बड़ी होम ब्रेकिंग एक्ट्रेस की स्टोरी आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।